कुरुक्षेत्र के विधायक सुभाष सुधा ने कहा कि किसी भी खिलाड़ी को खेल के क्षेत्र में एक मुकाम हासिल करने के लिए अपना लक्ष्य जरूर निर्धारित करना होगा। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए खिलाड़ियों को खूब मेहनत और लगन से काम करना चाहिए। इस प्रदेश के खिलाड़ियों को मान सम्मान प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने नई खेल नीति लागू की है। इस खेल नीति से खिलाड़ियों में उत्साह और जोश देखा जा सकता है। विधायक सुभाष सुधा भारतीय खेल प्राधिकरण कुरुक्षेत्र शाखा में आयोजित एक सम्मान समारोह में बोल रहे थे। इससे पहले विधायक सुभाष सुधा ने जम्मू में हुई जूनियर नेशनल वॉलीबॉल प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतने वाली हरियाणा टीम के 6 खिलाड़ियों जिनमें कैप्टन लवि कुमार, अमन कुमार, शेखर तोरण, शुभम यादव, दिग्विजय सिंह, योगेश कुमार के साथ साथ खिलाड़ियों के प्रशिक्षक राहुल सांगवान को मेडल व स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। इन खिलाड़ियों को साइन के इंचार्ज कुलदीप सिंह वड़ैच, पूर्व प्रभारी गुरविंदर सिंह, प्रशिक्षक सतपाल सिंह, हॉकी कुरुक्षेत्र के प्रधान विकासदीप सिंह संधू, चेस एसोसिएशन के प्रधान कृपाल सिंह तंवर, DIPRO डॉक्टर नरेंद्र सिंह, सोहन लाल, चांद राम, सुधीर दैया आदि ने भी सम्मानित किया और इन खिलाड़ियों का साईं प्रांगण में पहुंचने पर ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया गया। साईं कोच राहुल सांगवान ने कहा कि हरियाणा की टीम ने 12 सालों के बाद वॉलीबॉल में गोल्ड मेडल जीता है। ये सौभाग्य की बात है कि इस जीत का सारा श्रेय साईं कुरुक्षेत्र को जाता है। इस टीम का कैप्टन और 5 सदस्य साईं कुरुक्षेत्र से ही थे। श्री कृपाल सिंह जी प्रेसिडेंट, हमारे एसोसिएशन के श्री सतपाल सिंह जी कोच, मलिक साहब, सम्मानित मंच, सभी हमारे आए हुए खिलाड़ी, सर्वप्रथम मैं यही कहूँगा वॉलीबॉल में हमारे 6 खिलाड़ी जो सिलेक्ट हुए गोल्ड मेडल लेके आए, 6 के लिए जोरदार ताड़ियों से हम इनका स्वागत, इनका धन्यवाद करते हैं। साथियों, ये एक बहुत बड़ा प्रेरणा का स्रोत होता है और मैं ये कहूँगा जिस डिस्ट्रिक्ट से, जिस जगह से हमारे बच्चे यहाँ से सिलेक्ट होते हैं और वो आगे जाकर कोई गोल्ड मेडल लेके आता है, उनके कोच को, जितने परिवार को, जितनी फैमिली को खुशी होती है, उससे ज़्यादा उनके गुरु कोच को होती है। तो आप लोगों ने यहाँ का सही, यहाँ हमारे का बहुत 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 यहाँ का मान सम्मान किया। मैं ख़ास तौर पर आज यही कहूँगा कि अभी बहुत जल्दी प्रदेश के मुख्यमंत्री भी यहाँ आएंगे, आपके उनको भी मिलाने की कोशिश करेंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूँ, क्योंकि हमारी साई ने 11 साल के बाद ये रिकॉर्ड तोड़ा है। इसके लिए मैं पूरा इनका, पूरी टीम का, कोच साहब का, सभी उड़ैच जी का, सभी का, गुरिंदर जी हमारे गुरु जी आए हुए हैं जिनका हमें बड़ा मार्गदर्शन मिलता रहता है, हॉकी का, तो मैं सभी का दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बता रहे थे, उनके साथ साथ लवि कुमार भी अंडर 18 चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल लेके आए थे और उनके साथ में शेखर तोरण ने भी ब्रॉन्ज मेडल अंडर 18 चैंपियनशिप में हासिल किया था। उनके साथ साथ दिग्विजय सिंह और योगेश कुमार भी उस कैंप का हिस्सा थे। तो ये हमारे लिए बहुत एक खुशी का विषय होता है कि हम इतना ज़्यादा संख्या में हमारे सेंटर से खिलाड़ी एक अच्छे स्थान पर, एक अच्छे मुकाम पर पहुँचते हैं। तो हम इन खिलाड़ियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि इनके इस अच्छे परफॉर्मेंस को एक नाम देने के लिए हमारे बीच में हमारे यहाँ के MLA साहब पधारे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। खबरनामा हरियाणा के लिए डॉक्टर राजेश वधवा की रिपोर्ट।